गाड़ी आज हमारे पास जीप कंपास, गाड़ी में कस्टमर कंप्लेन है कि चेक लाइट आ रहा है और पिकअप ड्रॉप हो रहा है। तो एक बार गाड़ी को मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है। इंजन को मैंने स्टार्ट किया है और आप लोग देख सकते हो सर्विस का तो आ रहा है, लेकिन साथ में चेक इंजन लाइट भी आ रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है वो भी चेक करेंगे क्या फॉल्ट है इसके अंदर। तो इसके लिए एक बार गाड़ी को स्कैनिंग करना पड़ेगा। गाड़ी को मैं बंद करता हूँ, इग्निशन ऑन कर देता हूँ। इग्निशन ऑन किया है और भी एक बार गाड़ी को स्कैनिंग करता हूँ मैं। तो यहाँ पे गाड़ी को स्कैनिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फॉल्ट को एंटर करके चेक कर लेता हूँ मैं। रीड फॉल्ट कोड करेंगे तो यहाँ पे दो फॉल्ट कोड आ रहे हैं, EGR सेंसर है सर्किट रेंज परफॉर्मेंस का और EGR है कंट्रोल सर्किट ओपन का फॉल्ट कोड आ रहा है। तो ये जो फॉल्ट कोड है EGR का आ रहा है, EGR या तो जाम रहेगा या पाइपलाइन का इश्यू रहेगा, कोई पाइपलाइन डिस्कनेक्ट रहेगा या हमारा EGR वर्किंग नहीं करेगा, तो ये प्रॉब्लम शो करेगा। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ। क्लियर करने के बाद भी क्लियर नहीं हो रहा है, बैक करके वापस से एक बार क्लियर करता हूँ। क्लियर हो गया, वापस से रीड फॉल्ट कोड करेंगे। यहाँ पे नो फॉल्ट कोड है। गाड़ी को एक बार वापस से स्टार्ट करता हूँ। इंजन को स्टार्ट किया मैंने, चेक लाइट अभी चली गई, लेकिन रेस करेंगे तो वापस आ जाती है। वापस से फॉल्ट कोड चेक करेंगे, रीड फॉल्ट कोड नो फॉल्ट कोड है। वापस से गाड़ी को बंद करता हूँ, इग्निशन को ऑन करता हूँ और स्टार्ट करेंगे। जब भी चलाएंगे तो आ जाता है फॉल्ट कोड रिटर्न। पे मैंने वापस से रीड किया तो पेंडिंग में फॉल्ट कोड आ गए वापस से, EGR कंट्रोल सर्किट ओपन और EGR सेंसर का फॉल्ट कोड, जो पहले फॉल्ट कोड आ रहे थे अभी वापस से आ गए। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारा पाइपलाइन का इशू रहेगा या फिर EGR जाम रहेगा, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आएगा ये। तो एक बार मैं सबसे पहले बोर्ड ओपन करता हूँ और इसके पाइपलाइन चेक करेंगे। ये छोटे छोटे पाइपलाइन अगर एक भी कोई डिस्कनेक्ट रहेंगे तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, वो पिकअप ड्रॉप का होएगा। अगर एक पाइप भी ब्रेक रहेगा या कोई रीज़न की वजह से निकल गया रहेगा, कुछ इश्यू रहेगा उसके अंदर या EGR जाम रहेगा, तो प्रॉब्लम आता है। तो इसको मैं बैक कर देता हूँ। तो अभी चलते हैं बाहर की तरफ और देखते हैं। सबसे पहले पाइपलाइन चेक करेंगे, पाइपलाइन का इश्यू है क्या मालूम पड़ेगा अपने को। चेकलेट आया नहीं, लेकिन स्कैनर ने फॉल्ट कोड शो कर दिया है, लेकिन आ जाएगा चेकलेट चलाएंगे तो रिटर्न। गाड़ी को मैंने बंद कर दिया है और बाहर की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या इशू है। यहाँ पे मैंने इंजन कंपार्टमेंट खोला हुआ है और जो EGR का जो फॉल्ट कोड है, EGR का तो लोकेशन इसके बैक साइड में, यहाँ पे हाथ मेरा दिख रहा होगा, ये EGR का लोकेशन है। और जो हमारा प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो उसका फ्लैप है ये ओपन नहीं हो रहा है, ये अंदर की साइड में देखेंगे। बैटरी निकालो, यहाँ पे बैटरी ओपन कर दिया है। और जो प्रॉब्लम है वो दिखाऊंगा मैं आपको। ये जो हमारा ब्रेक का वैक्यूम है, वैक्यूम पंप, यहाँ पे देख सकते हो ये पाइप एकदम लूज है। और जो हमारा फ्लैप है EGR का, ये वर्किंग ही नहीं है। और जो इसका प्रॉब्लम है वो भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे पाइपलाइन देख सकते हो, जो पाइपलाइन है ये देखो, यहाँ पे ये देखो, ये भी पाइप हल्का टच किया मैंने, बाहर आ गया। ये तो बाहर ही है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। और जो पाइप यहाँ जहाँ पे लगेगा अंदर की साइड में, यहाँ पे ये मॉड्यूलेटर है, छोटा मॉड्यूलेटर है, ये यहाँ पे लगेगा,
ऊपर से दिखाता हूँ। यहाँ पे ये झटके से या प्रेशर से निकल गया क्योंकि लूज है पूरा। यहाँ पे देख सकते हो तो जो हमारा EGR का फॉल्ट कोड आ रहा है अंदर, इसी वजह से आ रही है। पाइपलाइन का इशू है दोनों भी, क्योंकि ये जो पाइपलाइन है सीधा हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि ये वर्किंग ही नहीं कर रहा है। गाड़ी में पूरा पिकअप ड्रॉप हो रहा है और प्रॉब्लम आ रहा है। और ब्रेक में भी देख सकते हो बूस्टर का जो पाइप है यहाँ पे, वैक्यूम का जो लगा होता है यहाँ पे, ये भी पाइप पूरा लूज है। ये ऑयल की वजह से लूज हुआ है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो पूरा ऑयल गिरा हुआ है कमांड में। इसको पूरा क्लीन करेंगे और ये पाइप को प्रॉपर फिक्स करेंगे, इसको टाइट करेंगे। और जो अंदर मॉड्यूलेटर का जो पाइप है ये वाला, ये भी पूरा नरम हो गया है। ये देख सकते हो हाथ लगाते ही निकल जाता है। यहाँ पे टच किया, कोई भी झटका देगा यहाँ पे, ये देखो बाहर आ गया। तो ये जो प्रॉब्लम है पाइपलाइन का, ये इसको फिक्स करेंगे। और ये भी पाइपलाइन निकला हुआ था हमारा, तो इसको भी प्रॉपर लगा देता हूँ मैं। नरम हो गया है पूरे, देखते हैं टाइट करके। और इसको सब कंप्लीट करता हूँ मैं, उसके बाद फिर फॉल्ट कोड क्लियर करके गाड़ी चला के टेस्ट ड्राइव मार के देखेंगे कि जो प्रॉब्लम था सॉल्व हुआ है क्या। तो इसको फिक्स करो प्रॉपर। ये पाइप को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि पूरा नरम हो गया है पाइप, थोड़ा भी प्रेशर आता है। यहाँ पे एक पाइप निकाल दिया है, सेकंड यहाँ पे जो छोटा मॉड्यूलेटर है वैक्यूम का, उसमें लगता है अंदर की साइड में है, देख सकते हो आप लोग। दोनों पाइपलाइन ख़राब हो गए ऑयल की वजह से, नरम पड़ गए। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ का पूरा हार्ड है, ये प्रॉपर है, लेकिन जो फ्रंट साइड का है आगे का, ऑयल की वजह से पूरा नरम हो गया है। तो इसको रिप्लेस करेंगे और फिर जो प्रॉब्लम था हमारा वो क्लियर हुआ है क्या वो भी देखेंगे साथ में। क्योंकि फॉल्ट कोड हमारा EGR का आ रहा था और पिकअप भी लॉस हो रहा था, तो उसको मैं कर लेता हूँ प्रॉपर। पाइपलाइन को प्रॉपर फिटिंग कर दी है, आप लोग देख सकते हो अंदर का भी वैक्यूम मॉड्यूलेटर का। और अभी बैटरी फिटिंग करके ले रहे हैं और फिर चेक करेंगे जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है क्या, चेक लाइट का। और जो EGR का फॉल्ट कोड बन रहा था वो भी प्रॉपर हुआ है क्या, क्योंकि हमारा ये EGR का जो ये सिस्टम है काम ही नहीं कर रहा था, पूरा पिकअप पूरा ड्रॉप हो रहा था। तो पाइपलाइन तो लगा दिए प्रॉपर करके और अभी स्टार्ट करके चेक करेंगे। इग्निशन को ऑन करते इंजन को स्टार्ट, चेक लाइट तो है नहीं, लेकिन फॉल्ट कोड हिस्ट्री में था, पेंडिंग में आ रहा था बाद में, तो चेक करेंगे कि वो भी गया है कि नहीं पेंडिंग से भी। यहाँ पे गाड़ी को स्कैनिंग करता हूँ, जो पेंडिंग में फॉल्ट कोड था वो गया है कि नहीं क्लियर करके फिर रेस करके देखना पड़ेगा, क्योंकि 203 मिनट में आ जाता था वो। रेस करेंगे बंद चालू करके। तो यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ मैं रीड फॉल्ट कोड। यहाँ पे फॉल्ट कोड पहले था पेंडिंग में, तो इसको मैं क्लियर करता हूँ। अभी क्लियर हो गया रीड फॉल्ट कोड, गाड़ी बंद करना पड़ेगा, गाड़ी को बंद करता हूँ। इग्निशन ऑन किया मैंने और अभी क्लियर करेंगे। यस कंप्लीट रीड फॉल्ट कोड, कोई फॉल्ट कोड नहीं है। गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ रिटर्न और रेस करेंगे। तो यहाँ पे कोई फॉल्ट कोड नहीं आ रहे, वापस से एक बार बंद करता हूँ गाड़ी को। इंजन स्टार्ट किया मैंने और चेक लाइट गई है, 2-3 टाइम बंद चालू करने भी आ जाता था। तो यहाँ पे नो फॉल्ट कोड है, तो जो प्रॉब्लम था हमारा सॉल्व हो गया। पाइपलाइन का इश्यू था, पाइपलाइन वीक हो गए थे, उसके नरम हो गए थे पूरे, उसकी वजह से बाहर आ जाता था वो। और हमारा इतनी बड़ी दिक्कत आ रही थी गाड़ी में पिकअप ड्रॉप की। फाइनली
फाइनली गाड़ी रेडी हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।